हाय, वेलकम टू वीआर लर्नर्स। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं, जिसमें क्लास टेन मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरओवर, हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे, जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वी आर डूइंग द चैप्टर ऑफ ट्रायंगल्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार दोबारा सॉल्व करते हैं। यहाँ हम थ्योरम्स हमने यूज किया था, पाइथागोरस थ्योरम्स ऑन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल और एक्यूट ट्रायंगल के जो फॉर्मूले थे उसको हम यहाँ यूज नहीं करेंगे। इसको हम बिना उनके ही जो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम है राइट एंगल ट्रायंगल में, उसी को हम यूज करके इस क्वेश्चन को इस बार हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सो ये क्वेश्चन नंबर 5 का डिटेल सॉल्यूशन है। तो आइए इसको हम देखते हैं। यहाँ जो गिवन है वो मैंने एज इट इज लिख लिया कि हमें एक ट्रायंगल दिया गया है एबीसी और एडी इसका मीडियन है। दैट मींस इसके साइड बीसी को ये इनटू टू इक्वल पार्ट्स डिवाइड कर रहा है। सो हमने लिख दिया है कि बीडी इज इक्वल्स टू सीडी एंड दिस इज इक्वल्स टू हाफ द कंप्लीट साइड बीसी के हाफ हो जाती है। ऑल्सो गिवन कि एएम यहां परपेंडिकुलर है ऑन इट्स साइड बीसी। अब देखिए हमें यहां जो प्रूव करने को 3 जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो मैं यहाँ प्रूव करने जा रही हूँ। वन बाई वन में यहाँ प्रूव करेंगे। तो जो फर्स्ट जो हमने प्रूव करना है, दिस इज हमने देख लिया है कि ये ऑब्ट्यूज्ड ट्रायंगल का है। सो इसमें मैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में जो स्टेप्स हमने यूज किए थे वही मैं इसके फर्स्ट पार्ट में यूज करने जा रही हूँ। और क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमने स्टेप्स यूज किए थे सॉल्व करने के लिए वो मैं ये सेकेंड पार्ट में यूज करूँगी। अब आइए इसका फर्स्ट पार्ट हम प्रूव करते हैं। तो देखिए इसके फर्स्ट पार्ट में हमें जरूरत पड़ेगी, देखिए एसी स्क्वायर की और एडी स्क्वायर की। सिंस हम इसको प्रूव कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ऑन राइट ट्रायंगल्स, तो यहां मुझे राइट ट्रायंगल्स की जरूरत पड़ेगी। अब यहां देखिए एडी स्क्वायर हमारा कहां आ जाता है, देखिए यदि मैं राइट ट्रायंगल एएमडी यदि यहां लेती हूं तो देखिए इसका हाइपोटेनस हो जाता है एडी, सो मुझे यहां एडी स्क्वायर मिल जाता है। अब देखिए हमें एसी स्क्वायर भी चाहिएगा, तो देखिए यदि मैं राइट ट्रायंगल एएमसी यहां कंसीडर करती हूं तो देखिए यहां हाइपोटेनस एसी होता है, तो यदि मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करती हूं राइट ट्रायंगल का तो यहां देखिए मुझे ये एसी स्क्वायर भी मिल जाता है। सो फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए यहां जो दो मैं राइट एंगल ट्रायंगल्स यूज करने जा रही हूं वो है राइट ट्रायंगल एएमसी एंड राइट ट्रायंगल एएमडी, ये दोनों मैं यूज करके इस फर्स्ट पार्ट को यहां प्रूव करूंगे। सो हियर हम कंसीडर पहले करेंगे राइट ट्रायंगल ए एम डी। हियर हम देख सकते हैं कि सिंस हमने ए एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ऑन बी से, इसका मतलब यहां एंगल एम 90 डिग्रीज का हो जाता है, इसीलिए ए एम डी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। सो हम यहां यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। यहां हम देख सकते हैं कि हमारा हाइपोटेन्यूज जो है दिस इज AD, so hypotenuse squared is equals to perpendicular squared plus base squared. So this is AD squared which is equals to AM squared plus MD squared. इसी को मैंने term कर दिया as equation 1. Now, हम दूसरा triangle, right angle triangle ले रहे हैं AMC. So यहाँ भी देखिए angle M 90 degrees का है, so हम यहाँ use कर सकते हैं Pythagoras theorem. यहाँ हमारा जो हाइपोटेन्यूस है दिस इज एसी इज हाइपोटेन्यूस व्हिच इज इक्वल्स टू वी नो दिस इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हियर परपेंडिकुलर इज एएम, सो एएम स्क्वायर प्लस हियर बेस इज एमसी, सो दिस इज एमसी स्क्वायर। अब देखिए एमसी लिखिए या एमसी की जगह मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, देखिए एमसी को यदि हम स्प्लिट करते हैं इस लाइन सेगमेंट को हम, सो दिस इज एमडी प्लस सीटी। सो यही चीज मैंने यहां यूज की है, देखिए मैंने यहां एम सी के जगह एम डी प्लस सी डी लिख दिया। सिंस दिस इज स्क्वायर्ड इसका मतलब ये होल स्क्वायर्ड हो जाता है। सो नाउ हियर वी कैन यूज ए प्लस बी होल स्क्वायर्ड का फॉर्मूला। नाउ दिस इज इक्वल्स टू वी नो दिस इज ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड प्लस ट्वाइस ए बी, यही मैंने यहां वापस यूज कर दिया है। एम डी स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज डी सी स्क्वायर को, डी सी को हमने बी माना है, सो दिस इज बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए इंटू बी, सो हियर ए हमारा एम डी है, सो दिस इज एम डी इंटू डी सी, ये मैंने यहाँ एज इट इज लिख दिया। नाउ वन में हमने क्या देखा था, देखिए वन में हमने देखा था कि हमारे पास ए एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर था, तो यहाँ देखिए ए एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर हमें मिल रहा है, सो मैंने इसको कॉम्बाइन कर लिया है एंड दिस इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर, दिस इज फ्रॉम वन, सो इसको मैंने रिप्लेस करके ए डी स्क्वायर लिख दिया है।
अब देखिए हमें कहा गया है कि यहाँ ए डी मेडियन है इस ट्राइंगल में, सो ये इसके साइड बी सी को इंटू टू इक्वल पार्ट्स डिवाइड कर रहा है, सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि डी सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द साइड बी सी। सो मैं यहाँ डी सी को रिप्लेस करके हाफ बी सी लिख देती हूँ। यहाँ भी देखिए डी सी को मैंने रिप्लेस कर हाफ बी सी लिख दिया। अब यहाँ देखिए ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 है, मैं इसको कैंसिल कर सकती हूँ। अब यदि मैं इसको रीअरेंज कर लिखती हूँ, सो आई कैन फाइंड दिस एज, देखिए ए सी स्क्वायर्ड विच इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर्ड प्लस बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी बाई टू होल स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। अब डायग्राम में भी देखिए और यहाँ भी देखिए ये क्या है, ये हमारा जो ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है ये वही फॉर्मूला यहाँ वापस आ गया है। अब आइए इसका हम सेकेंड पार्ट देख लेते हैं जो हमें प्रूव करने को है। देखिए यहाँ हमें ए बी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए सिंस हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम ऑन राइट ट्राइंगल्स, तो हम देख लेते हैं कौन से राइट ट्राइंगल्स में हम इन दोनों को फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए यदि मैं राइट ट्राइंगल ए एंड डी कंसिडर करती हूँ तो देखिए इसका हाइपोटेन्यूस हो जाता है ए डी, तो यदि पाइथागोरस थ्योरम यूज करती हूँ तो इसको मैं ए डी स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो देखिए यदि मैं राइट ट्राइंगल ए एंड डी लेती हूँ तो ये ए डी स्क्वायर तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा। अब नेक्स्ट इज यदि मैं यहाँ राइट ट्राइंगल ए एम बी कंसिडर करती हूँ तो देखिए ए बी क्या हो जाता है, इसका हाइपोटेन्यूस हो जाता है, तो ये ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए दूसरा जो राइट ट्राइंगल मैं यहाँ कंसिडर करूंगी दैट इज राइट ट्राइंगल ए एम बी, जहां से मुझे ये ए बी स्क्वायर मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ मैं दो राइट एंगल ट्राइंगल्स कंसिडर करने जा रही हूँ टू प्रूव दिस सेकेंड पार्ट दैट इज राइट ट्राइंगल ए एम डी एंड राइट ट्राइंगल ए एम बी। सो यहाँ हम राइट ट्राइंगल ए एम डी कंसिडर करेंगे क्योंकि देखिए ए एम हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, इसलिए हमारा एंगल एम जो है ये 90 डिग्रीज का है। सो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, सो हियर हम देख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूस कौन सा है, दिस इज हाइपोटेन्यूस स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बे स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस यहाँ ए डी है, सो ए डी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू यहाँ परपेंडिकुलर ए एम है, सो ए एम स्क्वायर प्लस बेस है यहाँ डी एम, सो डी एम स्क्वायर यहाँ मैंने लिख लिया, उसको टर्म कर दिया है एज इक्वेशन 2। नाउ नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं, यहाँ हम वापस एक राइट एंगल ट्राइंगल ले सकते हैं एंड दिस इज ट्राइंगल ए बी एम, यहाँ एंगल एम 90 डिग्रीज का, सो हम यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ हमारा जो हाइपोटेन्यूस है दिस इज ए बी, सो हम इसको लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूस स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बे स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस ए बी है, सो ए बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बे स्क्वायर। अब इस बेस में देखिएगा बी एम, सो मैं इस बी एम बोलिए या एम बी बोलिए एक ही बात होती है क्योंकि हम जानते हैं लाइन सेगमेंट्स को हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं। सो एम बी इज इक्वल्स टू बी डी माइनस डी एम, यही चीज मैंने यहां यूज की है। देखिए एम बी की जगह मैंने रिप्लेस करके बी डी माइनस डी एम लिख दिया, सिंस ये स्क्वायर्ड है इसका मतलब ये होल थिंग स्क्वायर्ड हो गया। नाउ इसको आप देखिए यहां हम यूज कर सकते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर्ड का फॉर्मूला, सो दिस कम्स एज ए स्क्वायर्ड माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर्ड, वही मैंने यहां यूज किया। देखिए बी डी, सो दिस इज बी डी स्क्वायर्ड एंड प्लस बी स्क्वायर्ड मैंने यहां लिख दिया है एंड माइनस ट्वाइस ए, ए की जगह बी डी है इंटू बी की जगह यहां डीएम है, ये मैंने यहां लिख दिया। अब देखिए हमने क्या इक्वेशन 2 में हमने क्या देखा था, ए एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर, सो यहां देखिए ए एम स्क्वायर और डी एम स्क्वायर जो है इस दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया सो दैट मैं इक्वेशन 2 यूज करके इसको रिप्लेस करके ए डी स्क्वायर यहां लिख सकती हूँ। अब देखिए हमें ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है कि यहां बी डी जो है ये हाफ ऑफ द साइड बी सी है क्योंकि यहाँ ए डी यहाँ मीडियन है, सो वही मैं यहाँ यूज करने जा रही हूँ। सो मैं यहाँ बी डी को रिप्लेस कर देती हूँ हाफ बी सी से, यहाँ भी देखिए हमारे पास बी डी है, इसको भी हाफ बी सी से मैंने यहाँ रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ देखिए हम कैंसिल कर सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 ये कैंसिल हो जाता है, हेंस हम इसको यदि रीअरेंज करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर्ड माइनस बी सी इंटू डी एम प्लस BC by 2 whole thing square, hence proved। अब यहां आप गौर से देखिएगा
ये देखिए, ये जो पोर्शन है ये क्या है, ये हमने जो पाइथागोरस थ्योरम में जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए जो फॉर्मूला पढ़ा था ना, ये वही फॉर्मूला यहाँ वापस आ जाता है। अब थर्ड पार्ट के LHS पे आप देखिएगा, देखिए इसमें AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर ये लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, ये जो हमने रिजल्ट फाइंड किया है 1 और 2 में, इन दोनों को हम यहाँ ऐड कर लेते हैं। नाउ एडिंग, जो रिजल्ट हमने प्रूव किया है 1 और 2 में, उसको यदि हम ऐड करते हैं तो दिस कम्स एज AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, दिस इज ट्वाइस AD स्क्वायर। नाउ यहाँ देख सकते हैं दिस इज पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, मैं इसको कैंसिल कर सकती हूँ। एंड नाउ दिस इज प्लस ट्वाइस BC बाई 2 होल थिंग स्क्वायर। अब जरा हम रफ कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ देखिए दिस, इस पोर्शन को हम रफ कैलकुलेशन करके देख रहे हैं, सो आई कैन राइट दिस एज 2 into BC स्क्वायर, 2 स्क्वायर का मतलब हो जाता है 4। सो यदि मैं इसको कैंसिल करती हूँ दिस वे, सो दिस इज 2, दैट मीन्स यहाँ हमने देख लिया, देखिए दिस इज AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ट्वाइस AD प्लस ये हमारा हो जाता है हाफ BC स्क्वायर। तो ये हमने प्रूव कर दिया, थर्ड पार्ट जो हमें प्रूव करने को था ये वही है, हेंस प्रूव्ड। आइए अब देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें, मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं, सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।